हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अथर्व रुक जाना, बच्चे भी ना। और मैंने आज साड़ी पहनी है, ऐसे ही बस मन कर रहा था, क्योंकि आज ना शरद पूर्णिमा है। आज लड्डू गोपाल जी को व्हाइट कलर की ड्रेस पहनाई जाती है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी व्हाइट कलर की ड्रेस ही पहन लेती हूँ। ये मेरी साड़ी बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा। और पता क्या, ये मेरा ब्लाउज बहुत ही पुराना था, क्योंकि ये मुझे आना बंद हो गया था। इतना फ़ायदा हो गया योगा करके कि जो कपड़े मुझे नहीं आया करते थे वो आने लग गए, और ये मुझे बहुत ही बढ़िया आ गया, एकदम फिट। अब क्योंकि थोड़ी सी पतली हो गई हूँ पहले से, बीच में ज़्यादा मोटी हो गई थी मैं, तो आज आपके साथ मुझे बहुत ही बड़ी अपनी खुशी शेयर करनी है, वो ब्लॉग में आगे करूँगी, क्योंकि मेरा वो तो बाद में बताऊँगी। बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। 3 से 4 साल हो गए लगातार इस चीज़ के लिए, इस दिन के लिए इंतज़ार किया है, बताऊंगी आगे। उससे पहले थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये जाएंगे शॉप पे खाना लेके, और मैंने बनानी है खाना, बनाना है सॉरी भिंडी बनाऊंगी आज खाने में, और थोड़ी सी खीर बनाऊंगी, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है, लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग लगाया जाता है। तो खीर बनाएंगे और भिंडी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी, और भिंडी बनाने के लिए मैंने ऑयल पहले ही रख दिया था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया इसमें, और हींग डालने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी थी 2 से 3। इसके बाद मैंने टमाटर डाल के सभी मसाले ऐड कर दिए हैं। आप मसाले अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जो भी आप खाते हो या आपको अच्छे लगते हों। मैं तो गर्म मसाला डालती हूँ, पिसा हुआ धनिया डालती हूँ, रंग वाली मिर्च डालती हूँ, और नमक तो सभी डालते हैं, क्योंकि नमक के बिना तो हमारी सब्जी में स्वाद ही नहीं आएगा, और स्वाद जो बढ़िया वाला आता है वो नमक से ही आता है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने भिंडी छोड़ दी थी इसमें, और भिंडी की वैसे मैंने पहले भी रेसिपी शेयर की हुई है कि मैं कैसे बनाती हूँ बिल्कुल खिली हुई भिंडी। कई बार क्या होता है कि जब हम भिंडी बनाते हैं तो वो चिपक जाती हैं आपस में, तो उसके लिए ना मैंने आपको बताया था कि या तो आप नींबू रखिए अपने पास, नींबू भी डाल सकते हो, या फिर अगर आपके पास दही है दही भी डाल सकते हो। अचार का जो आम का अचार होता है और उसका मसाला होता है, उस मसाले को भी आप भिंडी में ऐड कर सकते हो। एक तो उससे टेस्ट बढ़िया आता है, हल्का खट्टापन आता है, और खिली खिली बिल्कुल आपकी भिंडी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो मैंने देखी मेरे पास दही थी, तो मैंने यहाँ पर 2 स्पून दही मिक्स कर दी है। अब बस 5 से 10 मिनट में हमारी भिंडी बनकर तैयार हो जाती है, अगर हम उनको अच्छे से कवर करके रख दें। भाप जो होती है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी चाय बननी रख दी है, क्योंकि मैंने आज अभी तक चाय भी नहीं पी है, और ये वीडियो मेरा काफ़ी दिन पुराना है, लेकिन मुझे एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। घर में काम चल रहा है थोड़ा सा, और दीपावली की भी सफाई वगैरह चल रही है, तो इसलिए काम बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने अपनी चाय बनाकर पहले लड्डू को चाय पिलाऊंगी, उसके बाद खुद पीऊँगी। और यहाँ पर मैंने भिगोने में रख दी है अपनी खीर बननी, क्योंकि आज के दिन खीर भी बनाई जाती है। खीर बनाना शुभ होता है। आप खीर बनाकर हमें एक बाउल में लेकर उसे कवर करके अपनी छत पे रख देते हैं चंद्रमा के लिए। उससे क्या होता है ना, चंद्रमा की जो किरणें होती हैं हमारी खीर पे पड़ती हैं, उसका हम क्या करते हैं सुबह के टाइम सभी को प्रसाद। हमारी चाय बनकर हो गई है तैयार, तो पहले चाय मैक्स कहाँ है? अच्छा, पहले चाय पियेंगे, उसके बाद अपना रोटी बनाएंगे। खीर बननी रख दी है, सब्जी भाई तैयार हो गई है बिल्कुल। लड्डू को पिला दिया, लड्डू ने आज हमारे व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं और बैठे हैं आराम। मैक्स को अंदर लिया भाई, वो बोल रहा है। तो यहाँ पर करने लगी हूँ मैं अपने किचन को साफ़, और किचन साफ़ तब तक ना करें तब तक लगता ही नहीं कि हमारा काम
छांटा है, क्योंकि किचन में फैला हुआ ना बड़ा ही अजीब सा लगता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, खाना बना के पहले किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। बर्तन साफ में सबसे बाद में ही करती हूँ, क्योंकि पहले अपनी स्लेप गैस वगैरह ये सब अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जो तया और चिमटा वगैरह होता है हमारा, इसको भी हमें डेली से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि इनसे ही किचन में छोटे छोटे काम जब हम करते हैं, जैसे साफ़ सफाई, तया साफ़ करना, चिमटा साफ़ करना। तैयार, काम हमारा निपट गया है। और लड्डू को दिखाऊं आपको, लड्डू को मैंने व्हाइट कपड़े पहनाए हैं, जो मैं लेके आई थी वही वाले, ये वाले पहने हैं लड्डू ने कप पे, और ये लड्डू खा रहे हैं अपनी खीर। मैंने भोग लगा दिया है, चंदन का इनको लगाते हैं हम तिलक। और तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी तो हमारी खुशी का राज है ये। बताओ बताओ क्या है, मेरे बताने से पहले यहाँ पर हमारा एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है। आज हम इसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। ये हमने शायद से 30 को हमने इसको अप्लाई किया था, और सिर्फ 7 से 8 डेज के अंदर ही हमें ये रिसीव हो चुका है। ये है मेरा सिल्वर प्ले बटन, मेरी मेहनत, मेरी खुशी, 3 से 4 साल की मेरी मेहनत का फल है ये। जिस दिन ये हमें मिला, अभी कल कल में ही मिला था ये हमें, इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, कि मैं इसका इंतज़ार कर रही थी 3 से 4 सालों से, और आज जाके मुझे ये मिला है। क्योंकि हर एक यूट्यूबर का सपना होता है इसको पाना। इसी से हमें लगता है, इसी से एक यूट्यूबर, सच बताऊँ तो, कंप्लीट होता है कि हाँ हमें कुछ मिला है। ये है वो फाइनली। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट हो गया है। मैंने इसको पूजा में रख दिया था आते ही, क्योंकि भगवान जी के आशीर्वाद से ये हमें मिला है। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, मेरे लिए, क्योंकि मैंने वो तो इसके लिए सबके ही लिए ही है, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। इससे ज्यादा। और अगर उससे गोल्डन प्ले बटन से भी और ज्यादा मिलते हैं, इससे बहुत ज्यादा मिलते हैं। मिलेगा एक दिन गोल्डन, छोटे वाला भी, स्क्वायर वाला भी मिलता है, सिर्फ प्ले बटन और स्क्वायर, एक दिन गोल्डन भी गोल्डन भी स्क्वायर। मिलेगा। अब यहाँ तक आए हैं तो वहां तक भी जाएंगे। और ये सब सब सिर्फ आप सबकी वजह से हुआ है, सिर्फ आप सबकी वजह से। अगर आप सबका साथ ना होता तो शायद हम यहाँ तक नहीं आ पाते। और इसके लिए मैं आप सबको जितना धन्यवाद बोलूँ ना, उतना ही कम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्या होता है ना, एक छोटा सा वो शब्द हो जाता है, जैसे कि हमने किसी से कोई ऐसा कोई काम कराया और उसको एहसान में ऐसे ही बोल दिया थैंक यू। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि जैसे आप यहाँ तक मेरे साथ हो, ऐसे ही आगे भी मेरे साथ हमेशा रहना। और आज हमें सिल्वर मिला है क्योंकि हमारी 1 लाख फैमिली कंप्लीट हो चुकी है लविंग गार्डन वाले चैनल पर। तो आज हमें सिल्वर प्ले बटन मिला है, एक दिन हमें गोल्डन भी जरूर मिलेगा। इसी से उम्मीद हो जाती है कि अगर हमें ये मिल गया है तो हमें गोल्डन भी जरूर से मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अंदर से, बहुत ज्यादा। इसके लिए मैंने मेहनत की है, क्योंकि बस बता नहीं सकती। वो मैंने बताया था तब मेरे 1 लाख सब्सक्राइब कंप्लीट हुए थे, कि कितना सब कुछ सुनने को मिलता है, घर वालों से, बाहर वालों से, सभी से बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है। लेकिन फाइनली जिसको ये मिलता है, जो यूट्यूबर होते हैं, जो यूट्यूब पे काम करते हैं, उन सभी को इसकी अहमियत का पता है कि क्या है हमारे लिए। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये आपको इस तरीके से एक पैकेट में रिसीव होता है, इस तरीके से। और ये हमारा गत्ते का होता है, कागज का, और इसके ऊपर सारा हमारा एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा है। अब इसको अंदर से देखते हैं। बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं नहीं बता सकती कितनी खुशी हमें हो रखी है। ओह माय गॉड, ये देखिए, बहुत हल्का होता है। इसके ऊपर की साइड, अथर रुक जाओ बेटा, ये ब्लैक पेपर है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये पेपर, ब्लैक कलर का, इसके ऊपर जो कि ऐसे सेफ्टी के लिए होता होगा। ओ ये देखिए, ये इसके लिए था हमें इतना इंतजार, फाइनली ये आ गया है हमारे पास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसके साथ हमें एक पेपर मिलता है इस तरीके का,
बेटे रुक जाओ, गोल्डन सिल्वर जो, और एक ये वाला पेपर हमें मिलता है। बाबू रुक जाओ, इसके ऊपर ना तीनों बटन बने हुए हैं, हमें ये मिला है अभी, इसके बाद हमें ये मिलेगा और इसके बाद हमें ये मिलेगा। यस, हमें दिखाइए कितनी, एक सेकंड बाबू। तो ये देखिए, ये हमें मिला है इस तरीके का, और यहाँ पर ना जो चैनल का नाम हमारे होता है वही वाला यहाँ पर डला होता है। ये देखिए, मेरे चैनल का नाम है लविंग गार्डन, लविंग गार्डन। मैं बहुत 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 खुश हूँ। नहीं बेटे दीदी, ये देखिए यहाँ पर इसके पीछे की साइड होल भी रहते हैं, इनसे अगर हमें कहीं पर इसको हैंग करना हो तो हम इसको हैंग भी कर सकते हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तो इसी के साथ हमें एक ये वाला पेपर भी रिसीव होता है, इसके ऊपर सब कुछ लिखा रहता है। हमने यूट्यूब बोलता है कि हमें प्राउड है कि आपने इतने सब्सक्राइब कंप्लीट किए हैं और आप आगे भी जाओगे, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको सिल्वर अवार्ड मिला है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो कि यूट्यूब हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, और सब कुछ लिखा है यहाँ पर। यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे, विश्वास है बाबा श्याम पर पूरा। इसको मैं अच्छे से डेकोरेट करूँगी और अच्छे से मैं इसको, इसके ऊपर पॉलीथीन मतलब लेमिनेशन, लेमिनेशन बोलते हैं ना, इसके ऊपर लेमिनेशन कराकर तब मैं इसको रखूँगी। ये है मेरी मेहनत, यस ये है मेरी मेहनत, मेरी मेहनत और आप सबका साथ। हाँ जी, हल्का इतना भी हल्का नहीं है, ठीक है, गिरा मत दियो, हल्का तो मुझे लगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जैसे हमने अपने लविंग गार्डन चैनल से हमें ये मिला है, ऐसे ही हमें अपने ब्लॉग चैनल से भी एक दिन ये ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसकी कीमत बहुत 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 ज़्यादा है हमारी नज़रों में, यूट्यूबर की नज़रों में। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सच में, सिर्फ आप सबकी वजह से कि हमें ये मिला है सिल्वर प्ले बटन, एक दिन गोल्डन भी मिलेगा ऐसे ही। और इस ब्लॉग को, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर शेयर बताएं और सबको शेयर भी करें, ये भी आगे बढ़ सकता है यूट्यूब पर अपनी मेहनत करके। कोई भी, चाहे कोई इंसान छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई गांव से हो, कोई शहर से हो, कोई भी इंसान हो, हर कोई यूट्यूब पर मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। तो आप भी मेहनत करिए, आपको भी एक दिन ये ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।